और सो पेपर भी पूरा कर लिया। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, करते हैं स्टार्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री। हमारा टॉपिक आज का ट्रिग्नोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके अक्षत, पढ़िए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इन एक्स ओ वाई प्लेन लेट अ रिवॉल्विंग लाइन ओपी स्टार्टिंग फ्रॉम ओएक्स ट्रेस आउट एंगल एक्सओपी दैट इज इक्वल टू थीटा from P, X, Y, draw PM perpendicular to OX. In right angle triangle OMP, OM equal to X, that is adjacent sides, PM equal to Y, opposite side, OP equal to R, hypotenuse. बिल्कुल सही। तो ये जो साइड होती हैं, X को बोलते हैं adjacent side angle के लिए, Y opposite side और ये hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon perpendicular base. Upon. और cosec theta इसका उल्टा, hypotenuse upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base, adjacent side का ही दूसरा नाम base है और opposite side का दूसरा नाम perpendicular, cot theta equal to base upon perpendicular, ये सारे trigonometric ratio। पढ़ो बेटा reciprocal formula। Reciprocal relation, cosec theta equal to 1 upon sin theta, sec theta equal to 1 upon cos theta and cot theta equal to 1 upon tan theta. Exactly. Next, quotient relation. Quotient relation, tan theta equal to sin theta upon cos theta and cot theta equal to cos theta upon sin theta. ये है quotient relation, या इनको हम division quotient formula भी बोलते हैं, बहुत important formula है। चलिए yes, अगला question बच्चों, if tan a equal to 4/3 find all the trigonometric ratios VIMP, basic वालों को ये question पक्का आएगा, तो इसको अभी अभी तो नहीं solve कीजिए, class के बाद में आप लोग solve कर लीजिएगा, आज मैं जल्दी से finish कराता हूँ। तो बचाओ बच्चों मुझे ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत सॉल्व करने में बन जाएगा कि नहीं बनेगा? के लेके सॉल्व करना बच्चों, के लेके सॉल्व करिएगा, के लेके नहीं सॉल्व करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए के लेके सॉल्व करना। ओके यस यस। चलिए तो कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों सबको बनती है, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। ओके यस, ये क्वेश्चन मैंने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वी आई एम पी बहुत ज़्यादा। बेसिक को तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आएगा, वो एक एग्जाम्पल वाला है और एक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज वाला है, एग्जाम्पल वाला 15 डिग्री वाला है क्योंकि। चलिए कॉस ए माइनस बी रूट थ्री बाई टू साइन ए प्लस बी, तो रूट थ्री बाई टू को लिख लो बच्चों कॉस 30, कॉस से कॉस कैंसिल तो ए माइनस बी इक्वल टू 30। अगला साइन ए प्लस बी को लिखते हैं 1, 1 होता है साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल टू 90। हर्षिता क्लियर, दो इक्वेशन आ गए समझ में? यस सर। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ये पूरे के पूरे होमवर्क एंगल सब्स्टिट्यूट करके। हाँ देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बेटा ये वाला पोर्शन हट गया है, बट साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, सेक में। चलिए अगला साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, तो साइन इसको भी साइन में बदल लो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या तो है ना, तो कॉस को किस में बदल लेंगे अपन, साइन में बदल लेंगे, या साइन को कॉस में बदल लो, तो इन लोगों ने साइन को कॉस में बदल लिया, तो ये वाला कॉस में, ये वाला कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 3 ए इक्वल टू ए माइनस 26, तो 26 वहाँ जाएगा और इधर आएगा 3 ए, 4 ए बन जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 29। चलिए ये हट चुका है सिलेबस से, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। अगला पढ़ो अक्षर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड। आइडेंटिटी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 2, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 3, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हां बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन इतने बार आप लोग को मैंने लगवाया है, ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं याद हुआ? हर बार पूछते हो मुझसे ये क्वेश्चन आप लोग, जब जब ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाता हूं तो पूछते हो। यस सर। याद है ये क्वेश्चन? हाँ सर। इसमें वो आइडेंटिटी को पीछे तरफ से यूज किया करते हैं। यस सर। है ना, देखिए सबसे पहले कॉसेक और कॉट में जा रहा है तो ऊपर नीचे साइन का डिवाइड कर दो।
है ना, यहाँ भी साइन का डिवाइड करूँ, यहाँ भी साइन का डिवाइड करूँ। लिखो बच्चों होमवर्क, मतलब इम्पॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है ना बच्चों। लिखो LHS, लिख लो आप लोग कॉपी में, LHS cos A माइनस साइन A प्लस वन अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस वन, लिख लो cos A माइनस साइन A प्लस वन अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस वन, लिख लिया? यस सर। चलिए अब देखिए LHS है ये, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन A का डिवाइड कर दो, तो दिस अपॉन साइन, दिस अपॉन साइन, दिस अपॉन साइन, दिस अपॉन साइन, सब में साइन डिवाइड कर दिया, कॉस अपॉन साइन बन गया, कॉट ए वन से वन और कॉस ए के, कॉट ए वन से वन और कॉस ए के, क्लियर? हाँ सर। कॉस ए के को आगे कर लिया, हर्षिता आ रहा समझ में तुम्हारे? असर नहीं आ रहा है? यस सर। कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस वन और कॉट ए प्लस प्लस वन माइनस कॉस ए के, अब वही घटिया आइडेंटिटी जिसके बारे में बात हो रही थी कि उल्टे तरफ से लगाएंगे, तो वन इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉटेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ से, वन ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, ये वाला टूट करके, जिससे नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके यस सर। चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना हर्षिता, बन जाएगा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सारे जरूर करके दिखाने हैं मुझे, कंपलसरी हैं, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना? यस सर। यस हाँ सर। अगर नहीं करे तो ट्रैक्टर लेके घर आ जाऊंगा, बिल्कुल करने पड़ेंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, यस सर। एंगल ऑफ, चलिए अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। देखिए ये आंख होती है, अगर ये कहलाता है होरिजन, अगर हॉरिजन से ऊपर देखते हैं तो हॉरिजन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखने पर ये जो लाइन ऑफ साइट होती है जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन। पढ़ो अक्षत, इन द बिलो फिगर, इन द बिलो फिगर द लाइन ए सी ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द माइनर इज कॉल्ड मीनार, लाइन मीनार, मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल बी ए सी सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट, दस द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना? यस, ये देख लीजिए स्टूडेंट है, यहाँ से देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये जो बनेगा इसकी आँख पे एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? चलिए पढ़िए एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इन द एंगल फॉर्मड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। दो बार डेफिनेशन दे दिया, पढ़िए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हॉरिजॉन है, एंगल ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल सिर झुका के बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। पढ़ो इन द बिलो फिगर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन द बिलो फिगर द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट प्लेसिंग प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर ऑफ द टेंपल, इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, the angle so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depression, thus the angle of depression of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level, that is the case when we lower our head to look at the point being viewed. ठीक, चलिए हाँ important question, पहला question पढ़िए अक्षर, the angles, the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively, find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. चलिए तो ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे कि हाइट कितनी होगी मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग की, है ना? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग पे ये बंदा खड़ा हुआ है, तो ये 8 है तो ये सामने वाला भी 8 होगा, इसको h मान लेना, तो आपको h निकालना है और 8 में ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों याद है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? यस सर बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये भी आपको करना है आज के आज, ठीक है ना सर? एक क्वेश्चन था, बोलो।
अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो अपन उस व्यक्ति की हाइट को नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं? अरे वो देखो बिल्कुल सही बात है, वैसे तो कोई जमीन पे भी खड़ा है तो ग्राउंड से नहीं देखना चाहिए, आंखें तो पैर में लगी नहीं होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है ना? वही हाँ, तो ये मगर अब कंसिडरेशन चलता आ रहा है, अगर इंसान की हाइट दे देगा तो वो कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? यस, है ना। द डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके ओके, यहाँ से इसको झांका गया, मैंने डायग्राम गलत बनाया बच्चों, बिल्डिंग से दोनों को झांका गया है, ठीक ना? ये है डायग्राम सही, यहाँ से, ठीक ना? क्लियर? हाँ सर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ओके, मतलब सामने वाली बिल्डिंग 8 मीटर की है तो ये भी 8 का होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और लिखने का तरीका बिल्कुल यही रखिएगा, सुंदर सुंदर बेहतरीन एकदम नंबर अगर आपको लूटने हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये क्वेश्चन मुझे एडवांस वालों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, बेसिक के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। चलिए तो ये 3 मीटर है तो इसको x ले लेना, इसको y ले लेना। ओके, ये 3 मीटर है तो इसके लिए यहाँ पे 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो परपेंडिकुलर दिया है आपको, बेस निकालना है तो इसमें 10 थीटा लग जाएगा बेटा, सॉरी ये 30 होगा इस तरफ वाला, हाँ ये 30 होगा, और इसमें भी 10 थीटा लग जाएगा, दोनों के 10 थीटा निकाल करके दोनों की, एक की एक्स आ जाएगी एक की वाई आ जाएगी, ऐड कर दीजिएगा, कर लेंगे। यस सर, इजी है। यस सर। चलिए ये होमवर्क, ये तो पूरी सर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही छप गया पूरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक के लिए तो एनसीईआरटी और इस बार तो एडवांस के लिए भी एनसीईआरटी। चलिए अब इसके बाद हो जाए जल्दी से फॉर्मूला रिवीजन। नेम ऑफ द सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पढ़ दो भाई। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2hl + b, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2lb + bh + hl एंड वॉल्यूम इक्वल टू lbh। क्यूब, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, वॉल्यूम इक्वल टू a क्यूब। राइट, सर्कुलर सिलेंडर csa इक्वल टू 2 πr h, tsa इक्वल टू 2 πr r + h, वॉल्यूम इक्वल टू πr स्क्वायर h। राइट, सर्कुलर कोन csa इक्वल टू πr l, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 πr r + l एंड वॉल्यूम इक्वल टू 1 / 3 πr स्क्वायर h। स्फीयर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया नन, टोटल सरफेस इक्वल टू 4 πr स्क्वायर एंड वॉल्यूम इक्वल टू 4 / 3 πr क्यूब। हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 πr स्क्वायर, TSA equal to 3 pi r square and volume equal to 2 by 3 pi r cube. Frustum of a cone circuit गया ना ये, ये हट गया। चलिए ठीक है। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नो सर। जैसे इस फेयर में देखो बेटा, ऊपर का 2 pi r square होता है और नीचे का pi r square, इस वजह से 3 pi r square होता है। ओके, हेमी स्फीयर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो बेटा। द डेकोरेटिव ब्लॉक, The decorative block is shown in the below, is shown in below left figure, made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top as a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. चलो हर्षिता मुझे ये बताओ, सॉल्व करते समय टोटल क्यूब का एरिया निकाल लिया, उसमें सरफेस एरिया ये वाला जोड़ दिया, बट ये पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों किया हर्षिता, मुझे ये बता दो। सर किधर से पाई आर स्क्वायर माइनस? ये देखो ना, इस पूरे क्यूब के एरिया में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया है, क्यों किया बता दो जरा। सर इसमें क्योंकि अपन को सरफेस निकालना है ना। हाँ तो वो तो निकालना ही है, पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों किया ये बताओ ना जल्दी। अरे जब ऊपर वाली क्यूब के ऊपर वो तुम बॉल जैसा आधा कटोरा रखोगे तो कटोरा तो आएगा मगर ये वाले पार्ट को दबा लेगा कि नहीं दबा लेगा, इस इतने से पार्ट को। यस सर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्योंकि अगर कलर के डिब्बे में डाल दोगे तो हर जगह कलर आएगा, बट ये वाला पार्ट तो दबा हुआ था तो इसमें कलर थोड़ा ना छपेगा। यस सर। आ गया समझ में? यस सर।
हाँ सर आ गया। चलो अगला, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ो। जय अक्षत मयंक। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टीएसए ऑफ द बर्ड बाथ। हाँ भाई टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे, क्या क्या ऐड करोगे। सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अपन सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके बेस का एरिया और माइनस हेमिस्फीयर क्यों करोगे माइनस हेमिस्फीयर भाई, माइनस क्यों करोगे, माइनस का कोई रोल ही नहीं है बेटा। सर उसने बोला टीएस, जो टीएस में अपन अंदर का पोर्शन भी तो लेंगे, अब तो गड्ढा हो गया ना उसमें, हाँ तो वो तो बढ़ गया ना बेटा। तो सर सरफेस जो होगा जैसे अपन ऊपर से जाएंगे, ऊपर से सर हाँ वो नीचे भी तो लैंड करेगा सरफेस, हाँ वो तो भी तो इसीलिए सरफेस कहलाएगा। वो तो बढ़ गया ना। तो देखो बाहर की बाउंड्री 2πRH, बोलो हाँ। हाँ सर नीचे वाला ये जो पेंदा बिल्कुल भरा हुआ है, मतलब जहां पे पाई फ्लैट है, प्लस पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर अगर ऊपर बिल्कुल फ्लैट होता तो पाई आर स्क्वायर लेते, बट इसके साथ ये पूरा का पूरा ये आ गया ना, तो ये तो हेमी हाँ स्फेयर बन गया ना, तो 2πR² होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल तो प्लस 2πR² करेंगे। क्लियर। हाँ सर हाँ तो 2πRH प्लस 2πR² हाँ है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा नीचे नीचे से, लिया वो ही नीचे नहीं से है खोखला है लगता है, वो हॉलो है क्या, देखो जरा नीचे वाला तो लिया ही नहीं है। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है। क्यूब ये है क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हाँ एट क्वेश्चन वन में एंड लिखा लिखा है, है। हाँ वो तो डिप्रेशन एक एक एंड पर है। हाँ कहीं पर लिखा ही नहीं है कि हॉलो है नीचे का। चलिए ये तो बोलना चाहिए, बाकी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, अगर ये हॉलो है तो है ना थोड़ा याद कर रखे जाइएगा कि ये हॉलो वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। वैसे वो बंद होगा तो जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा है। हाँ सर चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। जूस सेलर। अ जूस सेलर। हाँ ये वाला अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस दैट शोन इन फिगर बिलो। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रिज पोर्शन व्हिच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब जैसी दिख रही है, और एक्चुअल हाँ कैपेसिटी मतलब जो वाकई में, तो अपेरेंट कैपेसिटी तो बंदा जो है वो कैसे फील करेगा, वो बेचारा फील करेगा कि सिलेंड्रिकल ग्लास है, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो हाँ। हाँ सर मगर उसमें से हेमी स्फेयर का वॉल्यूम निकाल दो 2/3 πR³। क्लियर ना, हाँ सर वो एक्चुअल कैपेसिटी। क्लियर। यस सर। चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सर इसका वो सेम उसमें था ना उपाध्याय में कि उसमें लेकिन दो दे कंपेयर करने के लिए दिया था हाँ वो उसमें। पापा वाला क्वेश्चन बेटी के साथ जाता है। हाँ, जूस पीने। हाँ चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अकोन। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। 4/3, 1/3 πR² कन्वर्टेड इनटू 4/3 πR³, हाँ या ना, यस हाँ सर तो एकदम सर कन्वर्ट करके फाइंड कर लोगे। यस सर। चलिए हर्षिता बनेगा, तुम भी यस सर बोलो। हाँ सर यस सर। 4, 5, 6। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रस्टम का है ना। ए डिंकिंग शेप इन द कोन ऑफ इतना 14 सेंटीमीटर डायमीटर दोनों के दिए गए कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम लगा दिया π h/3 R² प्लस इतना प्लस इतना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम दी गई है, 4 पेरीमीटर दी गई है इतना इतना, तो पेरीमीटर मतलब कि कितना हो गया, पेरीमीटर एक की 2πR² दी गई है इतना, तो दोनों रेडियस आ गई। अब कह रहा है कि कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया होता है πL(R+R), तो इससे आंसर ये आ जाएगा। चलिए है बहुत इजी क्वेश्चन, तो फ्रस्टम तो बट हट गया है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होमवर्क नहीं है क्योंकि हट गया इस साल। ओके तो ये पजल फिट करिए और अपनी सक्सेस की तरफ जाइए। ये बच्चों हमारा बेसिक वाला यस पूरा मैंने कर दिया है आपको, और आज और कल संडे है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके सभी को मुझे ग्रुप में भेजने हैं। आज अभी आप लोग टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और फ्रस्टम के क्वेश्चन लगा करके ग्रुप में आज भेजेंगे। ओके बच्चों यस सर। चलिए।